क्वेश्चन नंबर वन से शुरू कर रहे हैं हम। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब कि जितना न्यूट्रिशस एलिमेंट्स मिलना चाहिए भोजन में नहीं मिल रहा है। एंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर है नाउन, प्रीपोजिशन और फिर से एक नाउन। अगर दोनों नाउन एक ही रहे, एक ही नाउन दोनों जगह रहे, तो दोनों नाउन सिंगुलर होगा और आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। एक पॉइंट तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं लिखा है ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। तो पहला नाउन प्रीपोजिशन, दूसरा नाउन दोनों सिंगुलर है और दोनों में से किसी के साथ आर्टिकल्स का उपयोग नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे सही हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कंटिन्यू को जनरली, कंटिन्यू एज ए वर्ब सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग किया जाएगा तो गलत हो जाएगा और यह कंटिन्यूअस में ही उपयोग किया गया है, यही एरर है इसमें। ठीक है, यह फर्स्ट क्वेश्चन का था एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन का देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा था एनसीसी कमांडेंट अलोंग विथ हिज कैडेट्स आर गोइंग टू दिल्ली। देखिए एनसीसी कमांडेंट एक सब्जेक्ट है और उसके बाद अलोंग विद लगा है, अलोंग विद के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है। तो याद रखिएगा कि यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, यानी पहला सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चलेगा और पहला सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तभी यह वर्ब प्लुरल हो पाएगा। यानी हर हालत में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चलना चाहिए। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है द एनसीसी कमांडेंट जो सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह इज होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान में रखें, सक्सीड के बाद सामान्यतः इन प्लस वी फोर का उपयोग करते हैं, यह सही होता है। 2 प्लस वी वन का उपयोग किया गया है, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 4, मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेस आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू। देखिए भाई याद रखिएगा, कोई चीज का एड्रेस बताइएगा तो ऑन प्लस स्ट्रीट का नाम आता है। यानी स्ट्रीट का नाम कहीं लिखना हो तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। मेडिसन एवेन्यू जो लिखा है, मेडिसन एवेन्यू ये एक स्ट्रीट का नाम है और इसके पहले एट लगाया गया है, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स विच शी गेव इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर आईज। ठीक है, देखिए यहां पर पहले सेंटेंस पढ़िए, प्रकृति ने हम लोगों को अपना कान बंद करने की क्षमता नहीं दी है। नेचर हैज डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स, जो उसने आंख के मामले में दिया है। आंख के मामले में प्रकृति ने हम लोगों को एक क्षमता दिया है कि हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार आंख को बंद कर सकते हैं, बट कान के मामले में क्षमता प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर एरर क्या है कि विच शी गेव इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर आईज, वो पास्ट में दिया, लेकिन यह पास्ट टेंस नहीं होकर के यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जरूरत है वाक्य के अर्थ के अनुसार। ठीक है, गेव के जगह हैज गिवन होगा तो सही होगा। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट का जरूरत है, दिया प्रकृति ने पास्ट में लेकिन वो क्षमता अभी भी हमारे पास है, तो पास्ट में जो काम हुआ और प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है, फिर से एक बार इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था। हाँ, देखिएगा सिक्स में पहला डिजाइन, पहला वर्ड है मोटिफ। मोटिफ का मतलब किसी चीज पर डिजाइन या पैटर्न बनाते हैं खूबसूरत लगने के लिए, तो उसको मोटिफ कहते हैं। ठीक है, इसका साइनोनिम्स होता है थीम। दूसरा वर्ड है पैच, कपड़ा वपड़ा सिलने के लिए जो ऊपर से मतलब फट गया, जींस वगैरह तो देखते हैं उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के सिल दिया तो उसको पैच कहते हैं। लेआउट का मतलब होता है रूपरेखा, खाका, नक्शा तैयार कर, नक्शा। और स्कीमेटिक एडजेक्टिव उसका मतलब होता है स्कीम के अनुसार। जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस ऐसा है कि
द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन सेल हैज ए ब्यूटीफुल डॉट 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 कार्व्ड ऑन इट. कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना, ठीक है. कार्व का क्या मतलब होता है? नक्काशी करना. तो जो ब्यूटीफुल लेडीज ब्लैक पर्स है उसके ऊपर कार्व किया हुआ क्या रहेगा, आप हमको समझाइए. क्या पैच कार्व किया हुआ रहेगा, लेआउट रहेगा, स्कीमेटिक रहेगा, या मोटिफ कार्व किया हुआ रहेगा? तो सेंस से चलते हैं, मोटिफ मिलता है. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. हु इज द पर्सन डॉट 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 हु इज द पर्सन यू डॉट 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 एट द सिनेमा लास्ट नाइट. जब हु इज द पर्सन यू आता है तो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आना चाहिए. और सेंटेंस में यूज किया गया है लास्ट नाइट. लास्ट नाइट का मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. पास्ट की बात कर रहे हैं मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, वी टू होगा. और इस हिसाब से ऑप्शन आता है बी नंबर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. एज यू सो सो शैल यू रीप. देखिए एक कहावत है, प्रोवर्ब है ये. एज यू सो सो शैल यू रीप. हिंदी में इसकी इक्विवेलेंट कहावत होती होता है जैसी करनी वैसी भरनी. जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है. यहां पर सो ही भराएगा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डॉट 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 न्यू ड्रेस. 9 का सी होगा. कॉम्प्लीमेंट का यूज ही ऐसे होता है, कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग. कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब है, ठीक है. इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना. अब इस पूरे का स्ट्रक्चर देखे तो कॉम्प्लीमेंट समबडी, समबडी का प्रशंसा करना किसी चीज पर, तो ऑन प्रीपोजिशन चलता है. इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जो हाँ हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको देख लीजिए. कॉम्प्लीमेंट, MENT, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पूरक, ठीक है. और इसके साथ प्रीपोजिशन चलता है कॉम्प्लीमेंट टू समथिंग, किसी चीज का पूरक. हिंदी में का आता है लेकिन अंग्रेजी में टू चलता है. तो ये एक अलग वर्ड है, एल के बाद ई आता है, इसमें एल के बाद आई आता है, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, उपयोग के तरीके सब में फर्क है उसमें. चलिए, इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम, ठीक है. देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है. इट टेक, टेक का उपयोग होता है स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर समबडी, फिर टाइम, जितना भी टाइम लगे, और उसके बाद आता है 2+V1, और उसके बाद जो भी आगे जोड़ना चाहे. तो यहाँ 2+V1 आता है. तो इट टेक के जगह टुक, समबडी के जगह हिम, ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद 2+V1 आना चाहिए. 2+V1 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है. कंसीडर करना मतलब उस पर विचार करना. वे करना मतलब WEIGH, वे एक वर्ब है. यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक वर्ड है वे, WEIGH, वे एक वर्ब है. इसका मतलब होता है तोलना, लिटरली कोई सामान को तोलते हैं तराजू में रखे तो वे करते हैं. और फिगरेटिव तरीके से इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, कितना सही कितना गलत, कितना गुण कितना अवगुण, ये सब मूल्यांकन करना, इसको कहते हैं वे करना. क्वेश्चन नंबर 10 तक आप नोट कीजिए. रिकॉर्डिंग ऐसे अब फिर से रिकॉर्डिंग में आ गया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, एनेक्सचर. आप चाहें तो लिख सकते हैं मीनिंग को, एनेक्सचर, ठीक है. देखिए एनेक्सचर का मतलब होता है जब कोई प्रपोजल या कोई एप्लीकेशन वगैरह भेजते हैं तो उसके साथ जो लिस्ट अटैच करके देते हैं, लिस्ट जो अटैच करके दिया जाता है, ठीक है ना, उसी को एनेक्सचर कहते हैं, ठीक है. अब देखिए इसमें रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति, कमेंसमेंट शुरुआत, अटैचमेंट हो गया आंसर सी, ठीक है. और है डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास. आइए एरेंड, एरेंड का मतलब काम, टास्क, जिम्मेवारी. यदि किसी को कुछ करने के लिए दिया जाए तो उसको टास्क या जिम्मेवारी या काम कहते हैं. तो इस तरह से एरेंड का आंसर साइनोनिम्स होगा बी नंबर में, ठीक है.
और एनर्जी ऊर्जा मिस्टेक गलती नाउन के रूप में और गलती करना वर्ब के रूप में, ब्लंडर भयंकर भूल, ठीक है, ब्लंडर एक नाउन है, ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं बोलना चाहिए, ब्लंडर मिस्टेक बोलना अपने आप में एक एरर है। एरेंड का दो फ्रेज हम बताना चाहते हैं, ठीक है, एरेंड का दो फ्रेज बताना चाहते हैं, रन एरेंड्स किसी का काम करना, जैसे कहीं मैसेज पहुंचा देना, किसी को जाके कुछ दे के आ जाना होता है ना, तो रन एरेंड्स, और ऑन एन एरेंड काम से, जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं ना, हिज बॉस सेंट हिम ऑन एन एरेंड टू आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ स्टेशन, ऐसा कुछ है ना, कि उसको उसके बॉस ने किसी काम से शहर से बाहर भेजा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने बताया जानकारी आपको दिया एरेंड के बारे में, ये दो फ्रेज हैं जो आपको जानना चाहिए एरेंड के लिए। ले 13th बिकीत, बिकीत का मतलब होता है सर, ब्लंडर को और कैसे यूज कर सकते हैं, ब्लंडर मिस्टेक नहीं तो सिर्फ ब्लंडर बोल सकते हैं, सिर्फ ब्लंडर ही बोला जाता है, ठीक है, ही हैज मेड अ ब्लंडर, उसने एक बहुत भयानक भूल की है, ठीक है, योर ब्लंडर कैन काउज अ लॉट ऑफ डैमेज, तुम्हारे इस भयानक भूल से या भयंकर भूल से बहुत सारी क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। द होल वर्ल्ड इज पेइंग फॉर द ब्लंडर मेड बाय चाइना, चाइना के द्वारा किए गए भयंकर भूल के कारण पूरी दुनिया कीमत चुका रही है। जब उसने शुरुआत में कोविड 19 के बारे में छुपाया नहीं होता, शुरुआत में ही WHO को बता दिया होता, तो आज कोविड 19 एक पैंडेमिक नहीं बनता, आप लोग अपने घर से और हम अपने घर से पढ़ा नहीं रहे होते, सब लोग क्लास में होते इकट्ठे, ठीक है, yes, बात समझ में आ रही है, ब्लंडर क्लियर है, yes। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे थे बिक्यूत का, बिक्यूत का मतलब होता है वसीयत के अनुसार, वसीयत में लिख करके किसी को कुछ दे देना कि मेरे मौत के बाद या मेरे बाद ये इसका स्वामी मालिक हो जाएगा, तो बिक्यूत का मतलब होता है दे देना, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए गिव। हाँ, इसका साइनोनिम्स लीव भी बोल सकते हैं, वसीयत के अनुसार किसी को कुछ, किसी के लिए कुछ छोड़ के चले जाना, LEAV, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब होता है खुलासा करना, रिवील, ठीक है। स्कोल्ड मतलब डांटना, सराउंड मतलब चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है। नॉनशैलेंट, नॉनशैलेंट का मतलब होता है कैजुअल, नॉनशैलेंट का क्या मतलब होता है, कैजुअल, कैजुअल का मतलब बहुत फॉर्मल या ऑफिशियल नहीं है, उसको नॉनशैलेंट कहते हैं, बी नंबर होगा, ठीक है। इमेजिनरी काल्पनिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, न इधर न उधर, बीच में है जो, ठीक है, फॉर्मल तो जानते हैं, नॉनचैलेंट का अपोजिट हो गया। फोरबियरेंस 15 नंबर में, देखिए 15 नंबर का आंसर है आपका दो, मतलब पेशेंस, देखिए फोरबियरेंस का मतलब ही होता है सहने की शक्ति, ठीक है, सहनशीलता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंड्योरेंस, ठीक है, एंड्योरेंस का भी मतलब होता है सहने की शक्ति, लेकिन यहाँ पेशेंस दिया है बी में, पेशेंस भी धैर्य, धैर्य है आप में तो आप में सहने की शक्ति है, इसीलिए आपको कहेंगे बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति आजादी, ठीक है, डिलीवरेंस मतलब मुक्ति या आजादी। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब होता है फिजूल खर्ची। और रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है तर्क संगतता, ठीक है, जैसे यदि हम लोग बात कर रहे हैं कोविड 19 की और कोई ये बात लेके आ जाए कि भिंडी का कीमत अभी बढ़ गया है, तो ये बात बड़ा बेतुका हो जाएगा, मतलब जो टॉपिक चल रहा है उससे इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संगतता नहीं है, तो रेलेवेंस का मतलब होता है संगतता या संबद्ध, ठीक है। 15 तक हो चुका हम लोगों का, और आगे बढ़ाते चले कि पॉज दें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16-20 में आ जाता है एंटोनिम्स, ठीक है। तो 16 में वर्ड है अमेनेबल,
amenable का मतलब होता है मित्रवत, जो मिलजुल के करे सब कुछ, ठीक है, तो उसको कहते हैं amenable, है ना। amenable जो होता है वो बात मानने वाला होता है, मतलब कोई कुछ कह दे तो उसको मान लेता है, ठीक है। तो इस अर्थ में बाकी शब्दों को देख लेते हैं, ठीक है। एक्वेसेंट है, एक्वेसेंट का भी मतलब होता है बात मानने वाला। तो 16 का ए नंबर साइनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन साइनोनिम्स तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि अनविलिंग का मतलब होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं है, अनविलिंग है, वो अनिच्छुक है, वो करेगा नहीं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये हो गया। बाकी है डिस्ट्रस्टफुल, बी में। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है जिसके मन में भरोसा नहीं है किसी पर। इन अटेंटिव मतलब जो ध्यान पूर्वक कोई काम को नहीं कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल देख रहा है कोई बच्चा, यदि गप कर रहा है तो वो इन अटेंटिव है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। अब आप देखेंगे तो इसके साइनोनिम्स के रूप में आपको मिल जाएगा सी नंबर। ऑब्वियस का भी मतलब होता है क्लियर, इसलिए सी साइनोनिम्स हो जाएगा। और ऑब्स्क्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, इसलिए डी नंबर हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। बाकी दो वर्ड्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब होता है एकदम मुफट, ब्लैटेंट रिप्लाई करना, है ना। यदि कोई ब्लैटेंटली रिप्लाई करता है तो फटाक से जवाब दे देता है, तो ब्लैटेंट है, तो मुफट है, जबरदस्त है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि असिस्ट जैसा दिखे। और डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित, सब लोग जानते हैं। रिप्रूफ, क्वेश्चन नंबर 18 है। रिप्रूफ का मतलब होता है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, उसका आलोचना करना कि सही चीज नहीं है, डिसअप्रूव भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका एंटोनिम्स आप लेने चलिएगा तो ए नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ए नंबर में होता है अप्रूव, ए नंबर अप्रोबेशन है, अप्रोबेशन का मतलब ही होता है अप्रूव, मतलब आप उसको सही बोल रहे हैं, तो निंदा तो नहीं कीजिएगा, उसके अपोजिट हो गया, इसलिए ए नंबर एंटोनिम्स हो जाएगा। अपोजिशन हम जाते, अच्छा सी नंबर इसका साइनोनिम्स होगा, सी नंबर इसका साइनोनिम्स होगा, कंडेमनेशन, निंदा। एक वर्ड है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी नाउन को ज्यादा क्लियर करने के लिए उसके बारे में फ्रेज के रूप में कुछ सूचना दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं रमेश आया है, अब रमेश कौन भाई, 3-4 है, तो वकील साहब का लड़का, तो रमेश को ज्यादा क्लियर करने के लिए जो वकील साहब का लड़का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो फ्रेज द सन ऑफ द वकील साहब, तो ये क्या हो गया, अपोजिशन हो गया रमेश का, एक ग्रामेटिक टर्म है अपोजिशन, ठीक है। अप्रोप्रिएशन, डी नंबर में एक वर्ड है 18 के, डी में अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हड़प लेना या छीन लेना। इंग्लिश में डिफाइन करें तो टेक सीज समथिंग विदाउट योर अथॉरिटी, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई उस पर राइट नहीं है, फिर भी आप उस चीज को ले रहे हैं और भी बिना पूछे ले रहे हैं, तो आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट वर्ब के रूप में। आप बोलेंगे सर अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, बिल्कुल होता है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और कब होता है, जब वो एडजेक्टिव रहे तो। हम यहाँ वर्ब बता रहे हैं, अप्रोप्रिएट मतलब वर्ब के रूप में होता है छीन लेना, हड़प लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 19 वर्ड है निगर्ड। निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, इतना कंजूस कि अपना जरूरत पर भी खर्च ना करे। तो इसमें देखिए इसका साइनोनिम्स हो जाएगा माइजरली, डी नंबर इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमको तो एंटोनिम्स चाहिए। एवेरिसियस है, एवेरिसियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, पहला। और दूसरा और तीसरा वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, बी नंबर, ठीक है। फिजूल खर्ची का मतलब जो जरूरत से ज्यादा खर्च हो, ठीक है, ये भी कुछ हद तक एंटोनिम्स कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सी होगा। जेनरस, उदार, उदार का मतलब जो दिल खोल के खर्च करता हो, ठीक है, ये नहीं कि फालतू खर्च करता हो लेकिन कंजूसी नहीं करता हो, दिल खोल कर खर्च करने वाला, खर्च करने वाला को जेनरस कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझें जरा सा कि यदि हाँ ये नहीं रहता, जेनरस नहीं रहता, तो एक्स्ट्रा वेगेंट को ले सकते थे हम लोग साइनोनिम। एक्सोटिक, एक्सोटिक 20 नंबर में है, जरा गौर कीजिएगा। एक्सोटिक का मतलब होता है जो विदेशों से लाया गया है, जो विदेशों से लाया गया उसको क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे, ठीक है।
अब इसमें है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत, और बी नंबर में है पुअर, गरीब, ठीक है। सी नंबर में क्या है भाई साहब, जेनरल सॉरी इनएक्सपेंसिव, सस्ता, ठीक है। और डी नंबर में है स्वदेशी। अब आपको मिल जाना चाहिए आंसर, कौन सा होगा, स्वदेशी होगा, ठीक है। नोट कर लें आप इसको फटाक से, क्योंकि लेट से क्लास स्टार्ट हुआ है तो एक्स्ट्रा टाइम जाए तो इम्पेशेंट मत होइएगा, खत्म ही करने दीजिए, ठीक है। 21 से लेकर के 25 तक idioms and phrases है। 21 में है His speech has taken the wind out of my sails, ठीक है। तो यदि आप अपनी बात से ये जाहिर कर देते हैं कि you have taken the wind out of somebody's sails, मतलब उसने जो किया है, जो बोला है पहले से, उसके बात को काट के आप अपनी बात को उसके ऊपर रख देते हैं और प्रभावशाली साबित कर देते हैं, उसके बात के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक में, ठीक है। 22nd, there is no point in discussing the new project with him as he always pours cold water on any new ideas. Pour cold water on something मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को नकार देना, हाँ इससे क्या फायदा होगा, ऐसे करके एटीट्यूड दिखाना। तो आप क्या करते हैं उस स्थिति में, उसको डिसअप्रूव कर देते हैं आप, ठीक है, कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, वो यूजलेस चीज है, ठीक है। I jumped out of my skin when the explosion happened. If you jump out of your skin, तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एकदम पैनिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। 24th ये था, गलती से 23rd छूट गया, 23rd आगे बता दे रहे, ठीक है। देख लीजिए, Regardless of what her parents said, she wanted to let her hair down that night. ठीक है, उसके माँ बाप ने जो कहा उसके रिगार्डलेस, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हेयर को लेट डाउन करना चाहती थी। यदि कोई आदमी अपने हेयर को लेट डाउन करना चाहता है तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, उस पल के लिए वो रिलैक्स होना चाहता है, तो यहाँ पर भी आंसर ये होगा 23rd का, ठीक है। 24th हो गया, 25th, टेक समबडी फॉर ए राइड, टेक समबडी फॉर ए राइड का मतलब होता है समबडी को धोखा देना, तो उस हिसाब से 25th में आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसान था, कुछ था नहीं इसमें। 26 to 30 में क्या मिल रहा है भाई, तो ये मिल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलिए देखते हैं, इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट पास्ट हर फेलियर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, गेट ओवर ए फेलियर होता है, गेट पास्ट ए फेलियर नहीं होता है। गेट ओवर ए फेलियर का मतलब होता है किसी असफलता के सदमे से उबरना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है ओवर दिया हुआ भाई, ऑप्शन नंबर 26 के दो में दिया हुआ है, 26 का दो आंसर होना चाहिए, ठीक है। 27 में देख लेते हैं हम लोग, 27 में है, द बॉय वॉन्टेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर ए प्रोपिशियस ओकेजन। प्रोपिशियस ओकेजन का मतलब होता है सही अवसर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, 27 का चार होगा। मतलब वह अपने पिताजी को, मतलब वह लड़का जो है अपने पापा से पैसा मांगना चाहता था। इसमें एक फ्रेज है, सिखा देते हैं, शायद आप जानते हो आप लोग, आस्क समबडी फॉर समथिंग, आस्क समबडी फॉर समथिंग मतलब समबडी से समथिंग मांगना। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, समबडी से समथिंग मांगना। तो अपने पिताजी से पैसे मांगना चाहता था, लेकिन वह एक सही मौके का तलाश कर रहा था कि कब पापा का मूड अच्छा रहो तब मांगेंगे। 28, आई डिड नॉट अग्री विद हिम, ही अपीयर्ड टू बी सो इग्नोरेड bigoted for me to conquer. देखिए, bigoted कोई व्यक्ति है तो कट्टर है, अपनी विचारधारा से हटना नहीं चाहता है। यहाँ पर आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि remove to का स्ट्रक्चर है, ठीक है। So plus positive degree plus for plus somebody, ठीक है, और उसके बाद टू प्लस भी वन है, तो यहाँ टू प्लस भी वन है, इसलिए सो का उपयोग गलत है, यहाँ टी डबल ओ टू का उपयोग। हाँ, यहाँ दैट क्लाउज होता तब सो का उपयोग सही हो जाता। 29th, ठीक है। As soon as she noticed the workmen, जैसे ही उसने वर्कमैन को देखा, मजदूरों को देखा, she asked them what they have been doing, तो उसने पूछा कि वे लोग क्या कर रहे थे। देखिए भाई, कहानी पूरी पास्ट की है, जब पूछा पास्ट में तो उसके पहले क्या कर रहे थे, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए।
हाँ सीरीज ऑफ टेंस के अनुसार पूरी कहानी पास्ट की चल रही है, इसलिए पास्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। देखिए 30 में एक फ्रेज है जिसको हम सिखाना चाहते हैं आपको, टक समबडी इन या आप, ठीक है। समबडी को आप भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बोले दोनों दिया हुआ है तो फिर दोनों में से जो लगाइए सही। समबडी को चादर या कंबल, रजाई इटीसी उड़ाकर आराम से बिस्तर में सुला देना, बिस्तर में सुला देना। सेंटेंस पढ़िए, यही अर्थ आ रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा, 30 में आप या इन किस में दिया, 3 में दिया है, इसका आंसर 3 होगा। नोट करना चाहेंगे आप, फटाक से नोट कर लीजिए। 31st to 35th, ठीक है, सारे ऑप्शंस को हम बोलेंगे, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला है, रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू ए गॉड आर मेड, एक ऐसा स्थान जो सामान मतलब अगर अपने आसपास की जगह से ऊंचा उठा के उठा रहता है और उस पर भगवान को देवता लोगों को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसको हिंदी में वेदी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको अल्टर बोलते हैं, अल्टर ALTAR, ठीक है, ALTAR हिंदी में इसको कहते हैं वेदी, ठीक है। अल्टर से मिलता जुलता एक और एक्स्ट्रा वर्ड है अल्टर, ठीक है, ये अल्टर नाउन है और अल्टर वर्ब है, इसका मतलब होता है चेंज, बदल देना, ठीक है। इस अल्टर से ही बना अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाकी आप सभी ऑप्शंस को बता देते हैं। पहला ऑप्शन है रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब होता है मंच, जहां से कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह परफॉर्म करता है, चर्च तो जानते हैं, गिरजाघर, माउंड कोई भी चीज के टीला, टीला को माउंड कहते हैं, हीप, एच माउंड को आप कह सकते हैं हीप, HOUMOUND हीप, HEAP हीप, हीप ऑफ समथिंग या पाइल कह सकते हैं, ढेर कोई चीज का माउंड। 30 सेकेंड आंसर तो हो गया, 30 सेकेंड में देखेंगे, लगता है हम रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे, ऑन है, ठीक है, हमको लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। चलिए 30 सेकेंड, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कुछ ऐसा चीज जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसको इनएक्सप्लीकेबल कहते हैं, डी नंबर, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को देखिएगा, अनथिंकेबल जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल को आप कह सकते हैं इनविंसिबल, जिसको खास करके बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसको डिमोलिश करना इतना आसान नहीं है, जिसको तोड़ना आसान नहीं है, पहले राजा महाराजा लोग अपने किलों को कैसल्स को इम्प्रेग्नेबल बनाते थे ताकि दुश्मन राजा उन पर आसानी से हमला ना कर सके, ठीक है, मिस्टीरियस रहस्यमय। 33rd देखेंगे जरा, कहा जा रहा है रिटन डिक्लेरेशन, मिस्टीरियस भी तो हो सकता है ना, कैसे मिस्टीरियस, कोई चीज अगर रहस्यमय है तो उसको एक्सप्लेन नहीं, बस इसके बारे में है कि जानकारी नहीं है, हाईलाइट ये है मिस्टीरियस वाले चीजों के बारे में, दैट कैन नॉट, नो इन्फॉर्मेशन इज देयर अबाउट दैट, या इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियर अबाउट दैट, ठीक है, ये हाईलाइट है। हाँ यदि इनएक्सप्लीकेबल नहीं दिया रहता ऑप्शन में तो हम लोग जरूर मिस्टीरियस को लेते, क्लियर है, ज्यादा क्लोज कौन है, इनएक्सप्लीकेबल है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जी। चलिए आगे बढ़े, 33rd, अ रिटन डिक्लेरेशन मेड एन ओथ, मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, ठीक है, किसी मैजिस्ट्रेट के उपस्थिति में जो रिटन घोषणा पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, उसको शायद हम लोग एफिडेविट कहते हैं, जी, उसको क्या कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं, शपथ पत्र, ए नंबर, आपने बहुत बार, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में हफिडेविट कहवाते, कह देते हैं, हफिडेविट कर दिया, हफिडेविट, ठीक है, तो हफिडेविट कुछ नहीं होता है, इसका स्पेलिंग भी एक बार गौर करेंगे, AFFI, जरा सा क्वेश्चन तो प्रिंट हुआ नहीं है तो मोबाइल में हैंग कर गया, एक मिनट खोल रहे, खुल जाओ, अच्छा ड्राइव से खुले हुए ना, इसीलिए थोड़ा इंटरनेट के कारण ऐसा हुआ, चलिए चलिए, हाँ एफिडेविट कहते हैं, ADFFIDAVIT। सेकंड वर्ड है डॉजियर, डॉजियर का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
इसको फाइल भी आप बोल सकते हैं डोजियर को, ठीक है। डोजियर को क्या बोला जा सकता है सिंपल तरीके से, फाइल। डोजियर को सिंपल इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं। फाइल में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठे रखे रहते हैं, है ना। वाउचर, वाउचर तो जानते हैं, गिफ्ट वाउचर ये सब, है ना। और डॉक्यूमेंट, कागजात। चलिए आगे बढ़ते 34th की ओर। 34th, ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स। वह आदमी जो सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, दूसरों की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता है। वैसे लोगों को जो हमेशा अपने आप को केंद्र में रख के सोचते हैं, अपने बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, उनको ईगो सेंट्रिक कहते हैं। इसमें एक वर्ड है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ठीक है। ईगोटिस्ट क्या फर्क है भाई? तो ईगोइस्ट जो है वो अपने बारे में बात करता है, मुझको क्या। ईगोटिस्ट बहुत घमंडी होता है, एरोगेंट, वो कहता है कि हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। लोग जनरली ईगोटिस्ट के जगह पर ईगोइस्ट का प्रयोग ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। ईगोमैनियकल, जिसको खुद से हद से ज्यादा प्यार है। 35th, ए गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस। एक ऐसा कभी कभी देखते होंगे, तीर का निशान लगा के ज्यादातर या उंगली का निशान लगा के बताया रहता है इस जगह पे जाना है तो इधर जाए, ठीक है ना। उसको फिंगर पोस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिंगर पोस्ट कहते हैं, ए नंबर, ठीक है। बाकी जो है उस सबको भी जान लेते हैं। लैम्प पोस्ट होता है खंभा जिसमें लाइट लगा रहता है, जनरली शाम में आप सड़कों के किनारे देखते हैं शाम में ऑन किया जाता है लाइट को। चेक पोस्ट, जहां पर बैरियर लगा के पुलिस या सेना या कोई भी सशस्त्र बल जांच करता है वाहनों का सुरक्षा के लिए। और होता है लास्ट पोस्ट, अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा उस पोस्ट के बाद। चलिए इसको मिटा दे। यस सर। थर्टी सिक्स टू फोर्टी है। 36 में है डाइग्रेशन। डाइग्रेशन का सही स्पेलिंग सी में है, ठीक है। डाइग्रेशन का मतलब होता है टॉपिक से अलग बातचीत करने लगना। प्रिजम्पशस का सही स्पेलिंग 37 में भी सी में है। प्रिजम्पशस का मतलब होता है इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट कि घमंडी जैसा लगे, दूसरों का वैल्यू न दे। इक्विलिब्रियम 38 में है। 38 में इक्विलिब्रियम का सही स्पेलिंग है सेकेंड ऑप्शन में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्यता, कि सब कुछ बराबर संतुलन में चले, संतुलन भी कह सकते हैं उसको, बैलेंस, इक्विलिब्रियम को। 39th में है वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन, अरे यार क्या हो जा रहा है, फिर से खोलना पड़ेगा। वेटरिनेरियन, हाँ खुल जा भाई ड्राइव। वेटरिनेरियन सेकंड ऑप्शन होना चाहिए 39th का। 39th के सेकंड ऑप्शन में है वेटरिनेरियन, और इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक। लास्ट वर्ड है 40th में, ठीक है। मैरीटाइम, मैरीटाइम का सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। मैरीटाइम का मतलब होता है नियर द सी। चलिए अब आ जाइए पैसेज में। पीपल वेरी ऑफ्टन कंप्लेन दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट इविल एंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी अनलेस वन हैज ए लॉट ऑफ मनी। लोग सामान्यतः ये बोलते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, और बिना ज्यादा पैसे रहे आदमी खुश नहीं रह सकता। एक्चुअली दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। इवन ए पुअर मैन लिविंग इन ए स्मॉल हट विथ नन ऑफ द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ मे बी क्वाइट कंटेंटेड विथ हिज लॉट एंड अचीव ए मेजर ऑफ हैप्पीनेस। कहा सच्चाई तो यह है कि गरीब आदमी भी जो अपने छोटे से झोपड़े में रहता है, उसके पास सुख सुविधा ऐशो आराम का कोई चीज नहीं है जीवन में, फिर भी वह संतुष्ट रह सकता है उन चीजों के साथ जो उसके पास है और खुशी प्राप्त कर सकता है।
On the other hand, dusri taraf, a very rich man living in a palace and enjoying everything that money can buy. Dusri taraf, ek ameer aadmi jo mahal mein rehta hai aur paise se har jo cheez kharidi ja sakti hai wo kharid sakta hai, may still be miserable. Phir bhi uski sthiti dayaniy ho sakti hai. Miserable, dayaniy, matlab buri ho sakti hai, khush nahi ho sakta. If, for example, he does not enjoy good health or his only son has taken to evil ways. या ऐसा हो सकता है अगर उसके पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं, सभी पैसों से खरीदने वाले सुख सुविधा उसने जुटा रखे हैं, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या उसका एकमात्र बेटा या एकलौता बेटा गलत रास्ते पर निकल जाता है, टेक टू ए विलेज, गलत रास्ते पर निकल जाता है, तो वह खुश नहीं रह सकता अपने सारे धन के बावजूद. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही मे हैव ए लॉट ऑफ बिजनेस वरीज विच कीप हिम ऑन टेंटर हुक्स. कीप समबडी ऑन टेंटर हुक्स. एक मिनट कॉल है, जरा सा हम कॉल ले लें. कीप समबडी ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है किसी को परेशानी में रखना, उलझा के रखना. देखिए, कीप समबडी ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है, किसी को उलझा के रखना. तो बहुत सारे उसके बिजनेस के वरीज हो सकते हैं जो उसको चिंता में डाले रह सकते हैं अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम. देयर इज अ लिमिट टू व्हाट मनी कैन बाय. पैसा जिन चीजों को खरीद सकता है उसका एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मैंस हैप्पीनेस. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन के खुशी के लिए जरूरी है. एंड विच मनी कैन नॉट प्रोक्योर, जिसे पैसे से जमा नहीं किया जा सकता है. प्रोक्योर, कलेक्ट, जिसको पैसों के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब पैसों के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है. सेकंड पैसेज में पढ़े, जवाब दीजिएगा या कुछ पूछना है? यस सर, कुछ नहीं पूछना. ठीक है, चलिए आगे. सेकंड पैसेज, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है, सेकंड पैसेज में आगे, कीटनाशक. पेस्टिसाइड्स कहा जाता है कीटनाशक को. देखिये, सी आई डी ई साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है. अब किलिंग जिसका रह जाए आगे जोड़ दीजिए, ठीक है, और यहां पर जुड़ जाएगा. जैसे हम बोलते हैं फ्रेटरी साइड किलिंग ऑफ ब्रदर, पैट्री साइड किलिंग ऑफ फादर, मैट्री साइड किलिंग ऑफ मदर, होमी साइड किलिंग ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ योर्स, रेजी साइड किलिंग ऑफ द किंग. तो ऐसे करके बन जाता है डब्ल्यू एस, ठीक है. और साइड में एस लगा दिया तो नाउन बन गया पेस्टिसाइड्स, मतलब वैसे पदार्थ जिससे पेस्ट्स को मारा जाता है. पेस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट, पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट. संदर्भ देकर के ही ये जल प्रदूषण की जो समस्या है पेस्टिसाइड के कारण उसको समझा जा सकता है. एज पार्ट ऑफ द होल टू विच इट बिलोंग्स, यह एक हिस्सा है जल प्रदूषण का, ठीक है. क्या है इसमें? द पॉल्यूशन ऑफ द टोटल एनवायरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. पूरे पर्यावरण, मनुष्य जाति का जो पूरा पर्यावरण है उसमें प्रदूषण है, और जल प्रदूषण उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है. द पॉल्यूशन एंटरिंग आवर वाटरवेज कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज. जो प्रदूषण हमारे पानी के स्रोतों में प्रवेश कर रहा है, जो गंदगी प्रवेश कर रही है, वो बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं. रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज. और सोर्सेज कौन कौन है आप सुनिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स. फैक्ट्री, लेबोरेटरी और हॉस्पिटल से निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट, फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है. न्यूक्लियर एक्सपोजन से निकलने वाले फॉलआउट हो, मतलब अपशिष्ट पदार्थ हो, सिटीज या टाउन से और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हो, या फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल वेस्ट हो, इन सब के द्वारा, ये सब स्रोत हैं पॉल्यूशन के, जो हमारे नदियों को, तालाबों को, जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं. टू दीज इज एडेड अ न्यू काइंड ऑफ फॉलआउट. और इनमें एक नया तरह का अपशिष्ट पदार्थ शामिल हो गया है
The chemical sprays applied to crop lands and gardens. वो chemical sprays कीटनाशक जो हमारे gardens में और हमारे फसलों पर छिड़के जाते हैं, forests में छिड़के जाते हैं, fields में छिड़के जाते हैं. Many of the chemical agents in this alarming melange initiate and augment the harmful effects of radiation. ठीक है, इस हानिकारक मेलेंज में बहुत सारी चीजें शुरुआत कर देती हैं हमारे फिर से. मेनी ऑफ द केमिकल एजेंट्स इन दिस अलार्मिंग मेलेंज इनिशिएट एंड ऑगमेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड विद इन द ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स देमसेल्व्स देयर आर सिनिस्टर एंड लिटिल अंडरस्टूड इंटरैक्शंस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड समेशंस ऑफ इफेक्ट. कहा जा रहा है कि ये जो बहुत सारा चीजों का मिश्रण है ये अपने आप बहुत सारा हानिकारक प्रभावों का शुरुआत कर देता है और कुछ प्रभाव पहले से हानिकारक हैं तो उनको बढ़ा देता है हमारे पर्यावरण में. ठीक है, और इसमें तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत सिनिस्टर हैं, बहुत ही हार्मफुल हैं. कैसे? क्योंकि उनके जो आपस में प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में न के बराबर मनुष्य को पता है. उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नए पदार्थ बनते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है, इसके बारे में मनुष्यों को न के बराबर पता है. Ever since the chemists began to manufacture substances that nature never invented, the problem of water purification has become complex and the danger to users of waters has increased. जब से रसायन शास्त्रियों ने वैसे रसायन बनाने शुरू कर दिए जो प्रकृति ने बनाकर हमें नहीं दिए, तो उससे होने लगा प्रदूषण, पानी का बढ़ने लगा और पानी के उपयोग करने वाले सभी जीवों और प्राणियों पर इसका बहुत गलत इफेक्ट आने लगा. As we have seen, the production of these synthetic chemical in large volume began in the 1940s. 1940 के दशक में, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इन synthetic chemicals को synthetic इसलिए बोला गया क्योंकि प्रकृति में कहीं पर ये chemicals नहीं पाए जाते हैं. मनुष्य ने इन chemicals को अपने laboratory के अंदर बनाया. जैसे हम आपको बता दें पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमर है, वो प्रकृति ने नहीं दिया बना के, मनुष्य ने बनाया. अब देखिए इसका कितना बड़ा असर पड़ता है, 400 से 600 साल तक ये नष्ट ही नहीं होते, इतना टाइम लगता है इनको नष्ट होने में. तो ये तो एक उदाहरण हमने दिया. ऐसे सैकड़ों ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रकृति ने नहीं बनाए लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे केमिस्ट्स ने लेबोरेटरी में इनको बनाया है और जब से 1940 के दशक से इनका उपयोग बढ़ा है तब से हम लोगों के साथ वाटर पॉल्यूशन की समस्या और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. It has now reached such proportion that an appalling deluge of chemical, deluge of something, कोई चीज का बाढ़, बहुत ज्यादा मात्रा, deluge of something, मतलब flood of something, a very heavy amount, uncontrolled amount of something, ठीक है? इस proportion में पहुंच गया है, ये appalling deluge, appalling इसलिए क्योंकि भयावह है, threatening है. यदि कोई चीज अपॉलिंग है तो हॉरिबल है, टेरिबल है वो. केमिकल पॉल्यूशन इज डेली पोर्ड इनटू द नेशंस वाटरवेज. पोर इनटू मतलब उड़ेल देना, डाल देना. पोर ए इंटू बी मतलब ए को बी में डाल देना, बी में उड़ेल देना. ठीक है, ये सब हार्मफुल केमिकल्स का जो मेलेंस है ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नदियों में, वाटरवेज में पोर किए जा रहे हैं, उड़ेल दिए जा रहे हैं. जाहिर सी बात है फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है, वो लोग बिना प्रोसेसिंग किए उसको नदियों में, आसपास के नदियों तालाबों में बहा देते हैं. हम लोगों के घर का भी कचड़ा पानी जाता है, मतलब हर जगह से जो गंदगी निकलती है सीधे वाटरवेज में जाती है. ठीक है, When inextricably mixed, मतलब जटिल तरीके से मिल जाता है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है. जटिल तरीके से मिक्स्ड, इतना जटिल कि उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है. मिक्स्ड विथ, जरा सा कहा, विथ डोमेस्टिक एंड अदर वेस्ट डिस्चार्ज इन टू द सेम वाटर, दीज केमिकल समटाइम्स डिफाई डिटेक्शन बाई द मेथड्स इन ऑर्डिनरी यूज बाई प्यूरिफिकेशन प्लांट्स. डिफाई, चुनौती दे देना, चैलेंज.
तो जब ये घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के साथ ये सब केमिकल्स इनएक्सट्रिकेबली मिक्स हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया करके ऐसी चीजें बन जाती है जहां उसको कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसको सामान्य प्यूरिफिकेशन के प्लांट्स में वो कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो डिफाई हो जाता है, डिफाई कर देता है, कहता है कि इस प्रोसेस से आप हमको पहचान ही नहीं सकते, इतना जटिल यौगिक बन जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर सो कॉम्प्लेक्स दैट दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इन रिवर्स ए रियली इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स माने प्रदूषक तत्व, कंबाइन टू प्रोड्यूस डिपोजिट्स दैट सैनिटरी इंजीनियर्स कैन ओनली डिस्पेरिंगली रेफर टू एज गंक, ठीक है। और नदियों में तो ये सब पदार्थ इस तरह से डिपोजिट के रूप में नीचे बैठते हैं जिसको सैनिटरी इंजीनियर, सफाई करने वाले जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो नए नए सैनिटाइजेशन के तरीके ढूंढते हैं, वो इनको गंक के रूप में नाम दे के छोड़ देते हैं। उनको सैनिटाइज करना, रिमूव करना उन पॉलिटेंट्स को, इनके वश की बात नहीं होती। खत्म हो चुका है, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं?